बच्चों, अब हम स्वर का अभ्यास शुरू करते हैं। यह देखो बच्चों, यह हमारी पहली लाइन है स्वर की। यह कौन सी लाइन है बच्चों? पहली लाइन, सबसे पहला स्वर देखो बच्चों, यह कौन सा स्वर है? अ से अनार, अ से अनार। अनार कौन से रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? रेड कलर। यस, अनार कौन से रंग का होता है? रेड कलर। शाबाश। अ से अनार होता है लाल, खाए इसको बाल गोपाल। अ से अनार होता है लाल, खाए इसको बाल गोपाल। शाबाश बच्चों। अब आप मुझे ये बताओ, अ से अनार के बाद क्या आता है? आ से आम। यह कौन सा चित्र है बच्चों? आ से आम। आप सबको आम खाना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत लगता है। बच्चों आपको पता है, आ से आम फलों का राजा। आ से आम फलों का राजा, आम फलों का राजा होता है। आ से आम है फलों का राजा, आ से आम है फलों का राजा। कितना मीठा कितना ताजा, कितना मीठा कितना ताजा। शाबाश बच्चों। अब आप मुझे बताओ, अ से अनार, आ से आम, इसके बाद क्या आता है बच्चों? यह देखो, यह कौन सा स्वर है? ई। यह कौन सा स्वर है? ई। ई से क्या बनता है? इमली। ई से क्या बनता है बच्चों? इमली। ई से इमली। ई से इमली। ई से इमली खट्टी प्यारी। ई से इमली खट्टी प्यारी। खाती इसको दुनिया सारी, खाती इसको दुनिया सारी। अब बच्चों मुझे बताओ, ई से इमली के बाद क्या आता है? ई से ईख। ई से ईख। यह देखो बच्चों, यह ई से ईख का चित्र है। यह देखो, और यह स्वर ई है। यह कौन सा स्वर है? ई। शाबाश। ई से ईक है खेत में उगती। ई से ईक है खेत में उगती। आपने बच्चों कभी खेत देखा है? आप कभी विलेज गए हो? आप कभी गांव में? आपको पता है वहां पर खेत होते हैं, ईक के खेत होते हैं। ईक कहाँ पर उगती है बच्चों? खेत में। आप अपने मम्मा पापा को बोलना, आपको खेत दिखा कर लाएंगे। शाबाश। ई से ईक है खेत में उगती, इसके रस से है चीनी बनती। आपको पता है ईक से क्या बनता है? गुड़ और चीनी। ई से क्या बनता है? गुड़ और चीनी। अब बच्चों मेरे साथ पहली लाइन दोहराओ। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक। अब बताओ मुझे, ई से ईक के बाद क्या आता है बच्चों? ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू। यह देखो बच्चों, यह ऊ से उल्लू का चित्र है, और यह स्वर ऊ है। यह कौन सा स्वर है? ऊ। देखो बच्चों, यह कौन सा चित्र है? उसे उल्लू। यह देखो, उसे उल्लू। उल्लू की आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। देखो बच्चों, उसे उल्लू की आंखें कितनी बड़ी है। उसे उल्लू रात में जागे, उसे उल्लू रात में जागे। दिन में इधर उधर है भागे, दिन में इधर उधर है भागे। बच्चों आपको पता है, उल्लू रात में जागता है, जैसे हम रात को सोते हैं ना, लेकिन उल्लू
रात को जागता है और दिन में इधर से उधर भागता रहता है। शाबाश, अब आप मुझे बताइए उसे उल्लू के बाद कौन सा स्वर आता है? ऊ, यह कौन सा स्वर है? ऊ, उसे क्या बनता है? ऊन, उसे ऊन। आपकी दादी आपके लिए स्वेटर बुनती है ना? मेरी दादी भी मेरे लिए स्वेटर बुनती है। आपकी भी दादी बुनती है ना? उसे ऊन, उसे ऊन। आप स्वेटर कब पहनते हो बच्चों? जब बहुत ठंड होती है, जब बहुत ठंड होती है। शाबाश, उसे ऊन भेड़ से पाओ, उसे ऊन भेड़ से पाओ, बनाकर स्वेटर पहनते जाओ, बनाकर स्वेटर पहनते जाओ। शाबाश, उसे ऊन के बाद कौन सा स्वर आता है बच्चों? री, यह कौन सा स्वर है? री। बच्चों, अब तक हमने री स्वर नहीं किया था, अब तक हमने स्वर री नहीं किया था, लेकिन बच्चों आज मैं आपको स्वर री लिखना सिखाऊंगी। तो बच्चों, री से क्या बनता है? री से ऋषि, री से ऋषि। आपने कभी ऋषि बाबा को देखा है? ते ऋषि है ध्यान लगाते, री से ऋषि है ध्यान लगाते, सत्य वचन वे हमें बताते, सत्य वचन वे हमें बताते। बच्चों, यह देखो, यह ऋषि का चित्र है, री से ऋषि का चित्र है। री से ऋषि भगवान का ध्यान लगाते हैं और हमें सत्य वचन बताते हैं। सत्य मतलब बच्चों सच, सब कुछ हमें सच बताते हैं। अब आप मुझे बताओ री से ऋषि के बाद कौन सा स्वर आता है? शाबाश, यह देखो, यह स्वर कौन सा है? यह स्वर है ए। यह कौन सा स्वर है बच्चों? ए। ए से क्या बनता है? ए से एड़ी। सभी बच्चे अपने पैर की एड़ी को हाथ लगाइए। शाबाश, सभी बच्चे अपनी पैर की एड़ी को हाथ लगाइए। शाबाश, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी हमें सिखाती ध्यान से चलना, ए से एड़ी हमें सिखाती ध्यान से चलना। शाबाश बच्चों, अब आप मुझे बताओ ए से एड़ी के बाद कौन सा स्वर आता है? कौन सा स्वर आता है बताओ बच्चों? ए, यह कौन सा स्वर है? ए, यह कौन सा स्वर है? ए। बच्चों, यह स्वर एक एड़ी जैसा दिखता है, लेकिन इस स्वर को हम क्या बोलते हैं? ए। और इस पे एक मात्रा भी होती है। देखो बच्चों, हम स्लैंटिंग लाइन ले जाकर इस पर गोला भी लगाते हैं, तो यह एक एड़ी जैसा दिखता है, लेकिन इस स्वर को हम ऐसे ऐनक बोलते हैं। यह कौन सा स्वर है? ए, ऐसे ऐनक। शाबाश, ऐसे ऐनक पहन कर आते, ऐसे ऐनक पहन कर आते, मास्टर जी हमारा ज्ञान बढ़ाते, मास्टर जी हमारा ज्ञान बढ़ाते। आपको पता है आपकी मैम भी ऐनक लगाती है, आपने देखा है ना अपनी मैम को ऐनक लगाते हुए? शाबाश।